दोस्तों, सऊदी अरब में कुछ सालों पहले एक वाकया हुआ था। उस वक्त मोबाइल और इंटरनेट का इतना जोर नहीं था। इस वाकये को बताने के लिए मस्जिदों के बाहर पर्चे बांटे गए थे और उस पर्चे में लिखा गया था कि कुरान पाक की बेहरमती करने पर एक लड़की पर अल्लाह का अजाब आया था। ये वाकया सऊदी अरब का था और उस पर्चे में उस लड़की की फ़ोटो भी छपी हुई थी। दोस्तों, जब भी कोई शख्स कुरान पाक की बेहरमती करता है, कुरान की तौहीन करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर ऐसा अजाब नाजिल करता है जिसे देखकर लोगों की रूह कांप जाती है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले इंडिया में भी एक लड़की ने कुरान की तौहीन की, कुरान की बेहरमती की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस पर ऐसा अजाब नाजिल किया जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। दोस्तों, कुरान एक ऐसी मुकद्दस और मुअतबर किताब है जिस किताब को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस में फरमा दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून, यानी बेशक हमने कुरान मुकद्दस को नाजिल किया और उसकी हिफाजत का ज़िम्मा मुझ पर है। दोस्तों, ये वो मुकद्दस किताब है जिसकी हिफाजत खुद अल्लाह करता है और जिसकी हिफाजत खुद खुदा करे उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। दोस्तों, जब भी किसी दुश्मन ने कुरान की बेहरमती करने की कोशिश की है, कुरान को जलाने की कोशिश की है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर ऐसा अजाब नाजिल किया है जिसे देखकर और सोचकर हमारी रूह कांप जाती है। कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है जिसका देखना सवाब है, जिसका छूना सवाब, जिसका रखना सवाब। दोस्तों, अगर कोई शख्स सुबह में कुरान पढ़कर घर से बाहर निकलता है तो उसका बिगड़ा हुआ काम बनता हुआ नजर आता है। इस किताब में हर परेशानी का हल मौजूद है, लिहाजा कुरान पाक को दिल से लगा कर रखें और जितना ज़्यादा हो सके रोज़ाना कुरान पढ़ने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करके दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें।